नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। समाजवादी पार्टी की नेता आशुतोष वर्मा का बयान, बोले पिछले साल का टैक्स स्लैब भी लगभग कुछ इसी प्रकार का था, कुछ भी नहीं बदला है। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आज का बजट दिया है, ये केंद्र सरकार ने शब्दों की मायाजाल किया है, इससे ज्यादा राहत तो नहीं मिल रही है। जिस टैक्स स्लैब की बहुत बात हो रही है कि इसमें 7 लाख तक की छूट है, मुझे लगता है कि जो पिछला टैक्स स्लैब था वो भी लगभग यही था। कान इधर से पकड़ा जाए या घुमा के इधर से पकड़ा जाए, पिछले टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए तक की छूट थी। डेढ़ लाख रुपए तक हम LIC या ATC के तहत छूट पाते थे और 50,000 के NPS की छूट पाते थे, तो वो भी 7 लाख तक पहुंचती थी। हाँ, अब बचत करने के लिए सरकार ने मना कर दिया कि बचत मत कीजिए। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय वर्ग जो ज्यादातर लोन पे रहता है, EMIs लेता है, उसके रेपो रेट की कोई बात नहीं करी गई। किसान के किसान सम्मान निधि का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया, लेकिन सालों साल पेट्रोल डीजल बढ़ाया गया, किचन के सामान बढ़ा दिए गए और एक आम घर का बजट बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। किसानों में मिलने वाली MSP की बात नहीं करी गई। इसके साथ किसान संयंत्र, जो कृषि संयंत्र है, उस पर GST खत्म करने की बात थी, वो भी नहीं करी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने आप में इकोनॉमिक फेलियर का एक्सेप्शन किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे बजट फेल दिखता है। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ पर।